दोस्तों यहाँ पे लिया था हमने छोटा सा स्टॉप, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हिली एरिया है यहाँ पे। अगर गाड़ी को हम एक ही स्पीड से चलाएंगे तो गाड़ी के टायर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फिर करते हैं हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट और निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों ये चल पड़ी हमारी अपनी हिमालय रोडवे बस, जो कि निकली थी बस स्टैंड से और पहुंचेगी हिमालय को हुआ देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर रोड पर देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे रास्ता रास्ता निकलना पड़ेगा, क्योंकि हाईवे रोड है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ये रास्ता इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इस रास्ते पर ट्रैफिक नहीं होता। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों आपको ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शेयर के साथ साथ लाइक कमेंट और फॉलो करना ना भूलें। अगर पेज पे पहली बार है तो दोस्तों आप पेज पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इससे गाड़ी के भी कुछ लेवल होते हैं। अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं तो आपको पहला लेवल पार करना पड़ेगा, फिर दूसरा, तो कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लेवल है इसके। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था तो आपको समझा रहा था कि गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर होगी, तो क्योंकि दोस्तों मैं तो अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं तो ये सीधा जाके नेशनल हाईवे के बीच में मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता एक साइड से कुछ इस तरह का था, जैसे हम अपनी ज़बान में इसको कहते हैं बाईपास। तो अब ये देखिए ये रास्ता हमें यहाँ से लेना पड़ेगा नीचे अपनी राइट साइड, तो ये अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये अब सीधा हम बाईपास क्रॉस करके हाईवे पे पहुँच चुके हैं, तो ये रास्ता भी इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि रोड ही कुछ इस तरह की है और हमें यहाँ पे ली रोड इतना प्यारा घर देखिए दोस्तों, बस यही कुछ नज़र आएगा आपको पूरे रास्ते में, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एक नंबर में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ड्रोन में आ रहे थे, अब अपने हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे वाली गाड़ी को देख के ही अंदाज़ा लगा सकता है आदमी कि एरिया कैसा रहने वाला है। इतनी आसान सड़क नहीं है। चलो अभी थोड़ा सा ये टेम्पो वाला लोड कह दिया, थोड़ा सा आराम से चलो, गाड़ी है थोड़ा खींचना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर में गाड़ी। अब यहाँ से देखिए आप बिल्कुल नीचे की तरफ हमें जाना पड़ेगा, अप डाउन कुछ इस तरह का सफ़र रहा हमारा। दोस्तों देखिए ऊपर से कितनी खूबसूरत रोड, हवा या नज़ारे ही नज़ारे, तो ऐसे रोड पे गाड़ी चलाना तो बनता है। तो अब हमें यहाँ से गाड़ी को थोड़ा सा बाहर की ओर काट के, तो फिर गाड़ी को यहाँ से, क्योंकि बस बहुत लंबी है यार, अंदर से लेते हैं तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बाहर ले कर, ये कार वाला यार बहुत स्लो होता है बेचारा, चलो हम इसको हाथ में लगाए। अब यहाँ पे अप आ गई गाड़ी खींच रही है, तो दोस्तों अभी तक तो सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत रहा। दोस्तों यहाँ पे रुके हैं, बड़ा प्यारा व्यू है यार, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को खींचेंगे बाहर की ओर। चलो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं स्टॉप, गाड़ी को करते कुछ टाइम के लिए बंद और आपको व्यू भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों आप देखिए किस तरह का कितना प्यारा व्यू, वाह यार वाह। और यहाँ पे लिखा क्या क्या है, हमारे यहाँ राइस प्लेट, बेल, नान, वेज, नाश्ता, चाय, पूरी, भजिया मिलेगा, क्या बात है। चलिए जो हमारी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पैसेंजर, वो अब उतर के यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, और गाड़ी हमारी चालू, इंडिकेटर ये एक साइन होता है कि गाड़ी सीधा लगा है, और यहाँ पे आप ट्रैफिक भी देख सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा कितना खूबसूरत बेड यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ, जहाँ पे सवारियाँ बैठ के खाना खाएं और फिर अपनी मंजिल को जाएं। कितना प्यारा दृश्य जी हमें नज़र आ रहा है, आसपास खूबसूरत जंगल, और ये देखिए दोस्तों देखिए, चलिए ऊपर का व्यू भी दिखाते हैं हम अपने ड्रोन के ज़रिए।
अपने दोस्तों को खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी गाड़ी हॉर्न लगा रही है लोगों को कि अपने नाश्ता अगर कर लिया है तो चलें, निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। चलिए दोस्तों, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और यहाँ से अब निकलते हैं। अब यहाँ से बड़ा देख के, क्योंकि ये बीच में मेरे ख्याल से एक नाली टाइप की है कुछ इस तरह से, तो चलो दोस्तों, बाय बाय ढाबा। ढाबे पे लोगों ने खाया खाना, तो अब चल पड़े हम इस शहर की ओर जहाँ पे हमें जाना है दोस्तों, क्योंकि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ट्रैफिक और ज़्यादा आता रहेगा। तो जैसे आपने हमारे जम्मू कश्मीर में अक्सर कहीं पे देखा होगा कि अगर सफ़र पे आप तो बहुत ज़्यादा ढाबे होते, तो ये भी एक ढाबा है। अब ये कौन सा ढाबा है, तो यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमने खाना खा लिया था पिछले ढाबे पे। तो ये कुछ इस तरह के मोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा गाड़ी को खींचना पड़ेगा। तो ये एक लोड कैरियर ऑटो वाला बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें उतरना है। ये किसी ने कंस्ट्रक्शन अभी अभी शुरू किया है, तो भाई मेरा कुछ बड़ी तगड़ी यहाँ पे होटल डाल रहा है। तो चलो 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 अपनी, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग क्योंकि बाहर से खींचना पड़ता है, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी ब्रेक लगा के फिर गाड़ी को नीचे की तरफ उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत ही खतरनाक। अगर गाड़ी यहाँ से एक बार गिरी तो फिर समझ लो कि वो सीधा चलेगी खाई में। दोस्तों व्यू देखें आप, किन किन दोस्तों ने ऐसे रोड पे सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में, तो जिस तरह के ये मोड़ उनको नज़र आ रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और जिस तरह का ये व्यू आपने अपनी लाइफ में कभी देखा है वो भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार है तो फॉलो ज़रूर करें। ये चली हमारी हिमालयस रोडवे बस, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे हम, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा खींच के बाइक से नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी को लगाते हैं साइड दोस्तों। चलो दोस्तों, यहाँ पर रोक देते हैं गाड़ी को, देते हैं थोड़ा सा स्टॉप, फिर उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।